please be courageous to speak up. You know, this society is meant for us also, not only the male-dominated society. So come and speak up, because if one girl will take the action, others are going to follow. नमस्कार दिल्ली, मैं हूं आपके साथ तोशी मंदोला और आप देख रहे हैं तोशी टॉकीज। देश में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता काफ़ी हद तक लोगों की समझ में आ चुकी। महिलाओं के साथ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम NRCB की रिपोर्ट को देखते हैं तो 2015 की जो अपराध है महिलाओं के साथ और 2016 में जो अपराध है उसका 2.5% बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम दिल्ली वालों से बात करने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, यानी कि यौन उत्पीड़न के बारे में, जो महिलाएं अक्सर पब्लिक प्लेस में या घर में या और अन्य जगहों पर फेस करती है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में और लेते हैं उनकी राय। सो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सी, आई हैव नो ओपिनियन अबाउट दिस, बिकॉज लाइक गवर्नमेंट शुड बी वेरी वेरी शेमफुल अबाउट दिस। इवन आई एम नॉट सेफ राइट नाउ एंड आई विल नॉट सेफ एनी टाइम। इट्स ऑल अबाउट द लॉज। Actually, the whatever the laws are being, framed by the government, they are not being implemented, they are not being executed, and we have given a lot of freedom to the male members of the society. सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब लोग देखते हैं कहीं पे भी जाओ, बस में, मेट्रो में, शुगर है मेट्रो में लेडीज़ पहुँचे सो दैट वी कैन वहाँ सेफ हो सकता है। अदरवाइज़ बस में कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट तो होता ही है। आप जा रहे हो, कोई आपको घूर रहे हैं, 2-3 लड़कों का ग्रुप है, आप खुद ही अनईजी हो जाते हो, मतलब कमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इतना, क्योंकि अब हम इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि हम अच्छे से हड़का सकते हैं, तो ये है कि हम इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं हो रहे। बट जो छोटी गर्ल्स हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं, उनके लिए तो है, वो सब चीज़ें कहीं ख़त्म नहीं हुई हैं, चल रही हैं। अच्छा, तो कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आपको कुछ पता है वैसे इसके बारे में? हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो पता ही है लॉर्ड मरी सभी को, मुझे भी जानकारी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा पर्सनली कभी हुआ नहीं है। आपके साथ कभी हुआ नहीं है? तो कोई रिलेटिव हो आपकी, कोई आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो, सिस्टर के साथ हुआ हो या कज़न या कोई फ्रेंड सर्कल कभी हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस आपको पता हो? हाँ, मतलब नॉर्मली जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जैसे लड़कियाँ होती है, तो उनसे पता चलता है कि उनके मतलब लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस उन्होंने की होती है। अभी जो देश में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस है वो आए दिन बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लगता है कि रीज़न क्या होगा? उसके पीछे मेनली तो रीज़न यही है कि जो हमारे जेंट्री है, नॉर्मल जेंट्री है, उनको ज़्यादा क्लियरली अभी भी समझ आ नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि वो क्राइम करके भी निकल जाएंगे और उनके ऊपर कोई कानून का फंदा पड़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ रही है। लोग जा रहे हैं तो उनकी अलग सी एक्टिविटी होती है, पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे बस में ज़्यादा लड़कियाँ आ गई तो लड़के ज़्यादा बीच बीच में अंदर जाते हैं, इस टाइप का। ओके, तो आपको क्या लगता है उस टाइम में लड़कियों को क्या करना चाहिए? लेट्स एग्जांपल, आप बस में जा रहे हो, अगर आपके साथ कोई ऐसे बदतमीजी करता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते, पहले फर्स्टली प्रायोरिटी होता है कि हमको सेफ रहना है। हम क्या बोल सकते हैं उनको? नहीं, लाइक कोई छेड़ रहा है तो आप बस थोड़ा इग्नोर करोगे, और या फिर यहाँ पे खड़े हो तो दूसरी जगह बस से चेंज कर लोगे डायरेक्ट से। इसके अलावा और कुछ भी नहीं? Like, नहीं, अगर जैसे कि हम किसी को कुछ बोलते भी हैं तो उनका भी रिएक्शन तो होता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, बताओ कि हमने क्या किया। फिर उस सिचुएशन में लड़की क्या बोलेगी? कुछ क्या कि क्यों नहीं बोल सकते जब हम बाकी हर चीज़ के लिए बोल सकते हैं, तो कोई तंग कर रहा है हमें, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो चीज़ हम क्यों नहीं जस्टिफाई कर सकते सबके सामने? नहीं, ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। एक बैठा हुआ था लड़का, उसको छेड़े जा रहा था, देन उसने बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोला कि दीदी मैंने तो कुछ नहीं किया। वो एज में कम था, तो उसके साथ में जो सराउंडिंग में जो पीपल थे, तो बोले कि क्या लड़की है, उसको लड़के को बोल रही है। अब बाद में गलती उस लड़की को ही बोला गया। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, वी नीड टू एजुकेट। हम इंडिया में जैसे एजुकेशन कम है, सबको पता है, तो मतलब उनको पता नहीं चलता है कि वो ये चीज़ों को कर रहे हैं कि इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, जब कोई रेप केस होते हैं और उसके बाद जब लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, उनमें लड़के भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें घूमते हुए लगती दिमाग में कि वही लड़के आगे जाकर कई और लड़के को छेड़ रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब कैंडल मार्च में देखो, पीपल कैन बी वेरी डिफरेंट, सबकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, बट वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी शुड अप्रिशिएट वो सपोर्ट कर रहे हैं। आगे जाके वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उस पर वो उनका ब्लेम, मतलब उनका फॉल्ट है अगर वो कर रहे हैं तो।
अच्छा तो जैसे भी मीटू मूवमेंट की बात हो रही थी तो कोई आपने ऐसा कुछ आपने चैलेंज देखा हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कों के साथ कम होते हैं पर होते ज़रूर होंगे? होते ज़रूर हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बहुत पुराना किस्सा बताऊं तो NCR में कुछ ऐसे मतलब हैं, मतलब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो छेड़ते हैं। इनफैक्ट मतलब अगर कोई लड़का भी जा रहा है क्या करते हैं, पी लेते हैं ड्रिंक वगैरह और उसके बाद लड़का मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली हरेस कर रहा है बट कुछ भी उसे मतलब लड़का कौन है, लड़कियाँ या लड़के? लड़कों की ही बता रहा हूँ। अच्छा सेक्सुअली हरेस करने वाली बात नहीं है लेकिन वैसे भी देखो रात का टाइम है, कोई भी अगर कोई शरीफ लड़का भी जा रहा है तो उसको भी आप अगर वो करें, जैसे मैं आपको एक मेट्रो का केस बताता हूँ, मेरे फ्रेंड की कज़न के साथ ऐसा हो रहा था जो उसको कुछ लड़के ऐसे चढ़ गए मेट्रो में और वो उनको गलत मतलब ईव टीजिंग कह लो या जो भी कर लो, तो मेरे फ्रेंड का रिएक्शन जो उस टाइम आना चाहिए था वो बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा इसके बाद जैसे तमाम हम ये चीज़ें देखते हैं पर लड़कियां जो होती हैं आगे बोलती नहीं है या पुलिस कंप्लेन नहीं करती है, वो उनको देखो रीज़न क्या हो सकता है? वो उनको करना चाहिए, वो ये सोचते अपनी ही उनको लगता है कि अगर मैं हो जाऊँगी मतलब ये चीज़ ओपन हो जाए, ये चीज़ गलत है। अगर वो नहीं करेंगी आगे केस वगैरह नहीं करेंगी आगे तो फिर मतलब इस चीज़ में पुलिस को भी कहाँ से पता लगेगा कि इतना क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? बिकॉज क्योंकि हमारी जो लाइक गवर्नमेंट है वो कुछ करती है और मतलब या नहीं करती है कुछ दिखता नहीं है। न्यूज़ सिर्फ ये दिखाती है कि हाँ भाई रेप हो रहा है, केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, बट एक्शन सिर्फ ये बोल के बताया जाता है कि हाँ भाई पुलिस हमारे लिए कुछ कर रही है, पुलिस मतलब उसके ऊपर देख रही है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो बाद में बताएगी, उसका जवाब बताएगी कि क्या मिलेगा क्या नहीं होगा क्राइम के ऊपर, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक रेप होते रहेंगे और कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे। तो अगर मतलब किसी को कुछ करना है तो या तो खुद ही करो, तुम अपनी सुरक्षा भाई खुद ही कर सकते हो, और आई थिंक गवर्नमेंट रियली कांट हेल्प इन दिस। हाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट तो पता ही है इस लॉन्डमरी सभी को, मुझे भी जानकारी है लेकिन मेरे साथ ऐसा पर्सनली कभी हुआ नहीं। जिसके साथ होता है वो नहीं बोल पाते लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है ना वो बहुत सोच समझ के करती है। रीजन आपको ये लगता है कि जो लड़कियों का पहनावा है या फिर जो लोगों की गंदी सोच है, गंदी लिटरेसी है, गंदी सोच जो बंदों की गंदी सोच है, बस वही है लड़कियों का पहनावा, उनको जो पहना उनके पास फुल फ्रीडम है। और अभी जो मीटू मूवमेंट है पूरे देश भर में चल रहा है जहाँ पर लड़के अपने 10-20 साल के एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, इसमें लड़कियों को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलेगा? इसलिए बोल रही ना क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे, आज भी पावरफुल है, लेकिन ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला एक स्टैंड ले लेते हैं, 10 साल बाद देश भी तो इतना बदल गया, पहले वो कुछ करती कोई ध्यान भी नहीं देता, कोई पुलिस वाले भी कुछ नहीं करती, आजकल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, उन्होंने किया, उनको लगा कि हाँ बात होगी, उसकी वजह से रेजिग्नेशन भी हुए हैं। तो लड़के जैसे छोटे कपड़े पहन के चलती है वैसे नहीं चलना चाहिए, और गलती अगर उनके बारे में तो दोनों की गलती होती है, लड़कियों की भी लड़की की भाई, बस और किस वे में अगर लड़की छोटे कपड़े डाल के जा रही है तो क्या होगा उससे भाई, क्या होता है? लड़के हैं ऐसे ही, कोई खरीफ होते हैं लड़के, ठीक है वो छेड़छाड़ नहीं करते, अब कोई हरामी लड़के होते हैं लड़की देख लेते भाई उसके पीछे पड़ते हैं। वो लड़के का हरामपन गलती है या लड़की की गलती है? भाई लड़के का हरामपन भी गलती है, लड़की की भी गलती है, ठीक है तो दोनों को सुधरना चाहिए। अच्छा तो जैसे भी मीटू मूवमेंट की बात हो रही थी तो कोई आपने ऐसा कुछ आपने चैलेंज देखा हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कों के साथ कम होते हैं पर होते ज़रूर होंगे? होते ज़रूर हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बहुत पुराना किस्सा बताऊं तो NCR में कुछ ऐसे मतलब हैं, मतलब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो छेड़ते हैं। इनफैक्ट मतलब अगर कोई लड़का भी जा रहा है क्या करते हैं, पी लेते हैं ड्रिंक वगैरह और उसके बाद लड़कियाँ ही लड़का मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली हरेस कर रहा है बट कुछ भी उसे मतलब लड़का कौन है, लड़कियाँ या लड़के? लड़कों की ही बता रहा हूँ। अच्छा सेक्सुअली हरेस करने वाली बात नहीं है लेकिन वैसे भी देखो रात का टाइम है, कोई भी अगर कोई शरीफ लड़का भी जा रहा है तो उसको भी आप अगर गवर्नमेंट स्टेप्स लेती तो कुछ चीज़ें काम डाउन होती, कुछ चीज़ें कम होती, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही। तो इसके पीछे रीज़न क्या रह गया कि एक क्राइम डे बाय डे इंक्रीज क्यों हो रहा है? एक ही चीज़ का रीज़न लगता है कि दैट लोगों की मेंटालिटी, जो यूथ है वो भी आज की डेट में अपनी तरीके से काम नहीं कर रहा। लड़कियाँ एम्पावरमेंट ला रही हैं, लड़के बहुत कम हैं जिनको मतलब है सेंस कि भाई लड़कियों को इक्वल समझे,
उनको इज्जत दे, बाकी जो जब तक लड़के नहीं बदलेंगे ना, जब तक माइंड सेट नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होनेगा, कितने रूल्स बना लो कुछ नहीं होने। फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज इन द बस, येस व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन द बस ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, सो द मेल मेम्बर्स, नॉट इवन द कॉलेज बॉयज, अंकल, दे यूज टू यू नो टच इनअप्रोप्रिएटली, बिकॉज ऑफ विच मुझे इनकन्वीनियंस हुआ टू ट्रैवल इन द बस एंड आई हैड टू यू नो जस्ट स्टॉप इट, आई नेवर ट्रैवल्ड बाई बस। तो ये आपने क्विट करा, इसके पीछे आपने कुछ और करा हो, कैसे आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाए? नहीं, दैट टाइम आई एक्चुअली यू नो आई वॉज वेरी सेंसिटिव एंड ऑल, तो आई गॉट स्केर्ड। ओके, तो ये कोई रीज़न लगता है कि इसके पीछे लोगों की गंदी सोच है या लड़कियों का पहनावा है? नहीं, या लड़कियों का पहनावा इज़ लाइक यू नो द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, वी आर लिविंग इन द 21st century, सो गर्ल्स हैव द फ्रीडम वॉट एवर दे कैन वेयर, इट्स अबाउट द मेल मेंटालिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो पूरे देश में मीटू मूवमेंट चल रहा है, आई होप कि आपको पता हो, तो जैसे लोग हैं या लड़कियां हैं 10 साल पुराने केसेस आप बता रही हैं, तो ये एक सही आपको प्लेटफॉर्म लगता है या एक सही वे लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, क्योंकि 10 साल जो चीज़ें हुई हैं वो आप अब शेयर कर रहे हो, तो इससे लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा या फिर ये उनके लिए कोई माइनस पॉइंट है? माइनस पॉइंट आई गेस उसके लिए हो सकता है जो शेयर कर रहा है, बट बिकॉज दे आर यू नो शोइंग दैट करेज टू कम अप एंड स्पीक फॉर देमसेल्फ, सो इट्स काइंड ऑफ गिविंग एन एनकरेजमेंट टू द न्यू वंस। ये सुने आपने दिल्ली वालों के ओपिनियन अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द सेम? प्लीज लेट अस नो, चुप्पी तोड़ो, हल्ला बोलो, जितना हम बोलेंगे उतनी ये चीज़ कम होगी।